गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। इन द प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किए हैं, बट उन टॉपिक्स से लिंक्ड, जैसे उस पे जो एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होता है कि किस तरीका से हम उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, आज हम उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हाउ वी विल अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस हु आर रिलेटेड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, आई मीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। इन द प्रीवियस चैप्टर्स द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अबाउट रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी इज दैट कि रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मेटेरियल विल चेंज वन एंड ओनली विन द मेटेरियल विल चेंज, बट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मेटेरियल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पैरामीटर्स और सर्कमस्टांसेस। सो टूडे आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द पैटर्न अपॉन विच द क्वेश्चंस रिलेटेड और बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ रेसिस्टेंस विल आस्क। जो क्वेश्चंस रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पे बेस्ड होंगे वो किस तरीका से पूछे जाएंगे, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक था हमारे पास रेसिस्टेंस इस रेसिस्टेंस को हमने कहा था कि R से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका यूनिट ओम, ओम होता है, और इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है इस टाइप से कर्ली लाइन से करते हैं। इस रेसिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स जिस जो इसके वैल्यू को प्रभावित करते हैं, उसे कंबाइनली अगर कहा जाए, या एक बार देखिए कि वह उसकी रेसिस्टेंस के वैल्यू एल, मतलब लेंथ, लेंथ पर डिपेंड करता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, बट इन शॉर्ट वी विल राइट ओनली ए। ए इज द रेसिस्टेंस एरिया, द एरिया ऑफ रेसिस्टेंस, द एरिया ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, एंड इट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल पर डिपेंड करेगा आपको, ए पर डिपेंड करेगा, और एक डिफरेंट ये है कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू उसके रेसिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा। जिसे हम लोग रेसिस्टिविटी मतलब रो पर डिपेंड करते। अब इसे कंबाइनली जो हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लाया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसे कहे थे R इज इक्वल्स टू रो इन टू एल बाई ए। यह एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो इस कंप्लीट पैरामीटर्स को कंबाइन करता है, रेसिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। अब हम यह देखते हैं कि इस रेसिस्टेंस के वैल्यू को कैसे कैसे अल्टर किया जा सकता है, कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। देखिए, देयर आर फोर फॉर्मेट्स और देयर आर फोर डिफरेंट ऑपरेशंस और मेथड्स बाय विच वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टिव मटेरियल। What are the different methods by which you can change the value of resistance? Now we are going to discuss about this. उसमें से first को देखिए, मान लिया जाए कि यह आपका conducting material, ठीक है, यह conducting material, इस conducting material का यह लेंथ एल है
ये उसका एरिया ए है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी यह एक फैक्टर है जिसे कहते हैं इट विल चेंज ओनली व्हेन द मटेरियल विल चेंज। यह तभी चेंज करेगा जब वह कंडक्टिंग मटेरियल को चेंज करते हैं। इसका मतलब उसके फोकस हम ना करें तब भी काम चलेगा। अब देखिए, एक तो मेथड हो सकता है इसको कट कर दें। फर्स्ट बाय कटिंग द गिवन कंडक्टिंग केबल और वायर। यह वायर जो दिया हुआ है, जैसे यहां देखिए, इसको कह रहे हैं कि अगर एक फॉर्मेट होगी इसको कट कर दे। अब देखिए, कट करने की जो टेंडेंसी है, यहां से हमने कट कर दिया, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि इसको आप अलग लिखेंगे। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एल बाय टू हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ कटिंग ऑफ एनी गिवन कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग मटेरियल। व्हेन वी आर गोइंग टू कट एनी गिवन एल लेंथ ऑफ मटेरियल, देन डेफिनेटली इट विल डिवाइडेड इन टू सेगमेंट एंड द इफ देयर इज नो एनी लॉस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, then definitely the length of these two given segments will equals to the sum of the individual. अगर इस दो material को cut करते हैं तो cut करने के बाद अगर किसी भी तरीके का losses नहीं हो रहा है तो दोनों ही different different segment का sum करके देखें तो इसके total length के बराबर होगा। There is No any misunderstanding about that. यहां पर इसका दूसरा पार्ट जो है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो यहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो दूसरे पार्ट को फिर हम यहां से डिनोट कर रहे हैं, इस दूसरे पार्ट का भी एल वाई टू रहेगा और यहां पर बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आप कंफर्म रहे कि यहां पर दूसरा कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इफ देर इज नो एनी चेंज देन व्हाट विल बी अल्टर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, देन यू विल राइट लाइक दिस। यहां पे जो दिया हुआ कंडीशन है उसके अनुसार जो एल है वह कितना हो गया है, तो एल बाय टू हो गया। जस्ट लुक एट and focus the concept by which we can we will going to calculate the value of resistance of given material. यहां जो length था पहले इस conductor का वो l by 2 हो गया। देखिए दूसरा area की बात करो तो खुद भी देखो कहीं पर भी इसके area में कोई changing आया है क्या? There is no any change in the area of this given conducting material. ऐसा अगर तुम्हारे माइंड में आता है कि क्यों चेंज नहीं हुआ, तुम्हें पता है your area of this conducting material is the cross sectional area. यहां इस conducting material का जो area है वो इसका cross sectional area है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर समझ लीजिए यह कंडक्टिंग वायर है तो इसका ये सरफेस ये चारों तरफ से घूमकर आता है, उस जहां से आप स्टार्ट करो इसके चारों तरफ से घूमकर वहां पर पहुंचने वाला जो सर्कुलर एरिया बन रहा है उसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं।
तो इसे अगर कट कर देंगे तो इसके लेंथ में चेंजिंग आएगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और आप देख भी रहे हैं जैसा इसका एरिया था वैसा ही इसका एरिया है, तो इसका एरिया क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ओके, तो एरिया विल बी इक्वल, दैट इज ए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इट मींस रो। यू आर ऑलरेडी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टिविटी। द रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड लाइक दिस। इट विल चेंज ओनली व्हेन द मटेरियल विल चेंज। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल विल चेंज, डेफिनेटली चेंज, बट व्हेन द मटेरियल विल चेंज। जब तक मटेरियल फिक्स्ड है तब तक उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकता। यहां मटेरियल हम लोगों ने चेंज किया क्या, उस मटेरियल के बारे में बात किया क्या, नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। और न कहने की वजह यह है कि जो कॉपर वायर यह था, यह कॉपर वायर अगर है तो यह भी कॉपर वायर ही है, तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। अब हम चले आइए रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो लिखिए, एज वी नो दैट द गिवेन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज आर इज इक्वल्स टू रो इन टू एल बाय ए और रो एल बाई ए। ये हुआ हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन, ठीक है। यह आर है और ये जो है चेंज होने के बाद, ठीक है, जब इस कंडक्टिंग मटेरियल को हमने एक मॉडिफिकेशन कर दिया, इसको दो पार्ट में कट कर दिया है, तब हम पूछ रहे हैं। अब देखिए, दो पार्ट में हमने इसको मिडिल से किया था, इसको इधर 1/3 रिमेनिंग पार्ट इधर भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कटिंग भी हो सकता है। तो अब जो बाद में जो रेसिस्टेंस इसका बना है, उस रेसिस्टेंस को हम आर डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किए, आर डैश से। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दिस मॉडिफिकेटेड कंडक्टिंग मटेरियल इज डिनोटेड एज आर डैश, और इस आर डैश को हम लोग लिख सकते हैं रो, ये क्या है, एल बाय टू एंड बाय ए। समझ रहे हैं, चलिए इसके आगे इसको लिख सकते हैं रो एल बाय टू बाय ए और बाय वन, ऐसा कर सकते हैं। इसको इसके आगे आइए, रो एल बाय टू इंटू वन बाय ए, ऐसा कर सकते हैं। यह फाइनली हो जाएगा रो एल बाय टू ए। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। अब इस सेकेंड ऑप्शन का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर यह वैल्यू में आता है तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखिए, नाउ फ्रॉम कंडीशन वन एंड टू वी विल राइट, वी विल राइट। यहां हम लोग क्या लिखेंगे क्या, या लिखिए आर और आर डैश का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहां
2/1। 2 का क्या वैल्यू है? तो R डैश इज इक्वल टू रो L बाय 2A डिवाइडेड बाय R। तो इसे एक ही जगह लिखा जाए इक्वल टू, इसके नीचे क्या आएगा अब देखो, रो L बाय A। इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए मॉडिफाई कर लो, रो L बाय 2A इंटू A बाय रो L। रो L, रो L कैंसिल, एरिया एरिया कैंसिल, क्या आ गया 1/2। अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि जो दिया गया रेसिस्टेंस का वैल्यू था उसमें और जो रेसिस्टेंस का वैल्यू मॉडिफिकेशन के बाद आया उसका R डैश बाई R का जो रेशियो है, तो ऐसे लिख सकते हैं R डैश बाई R इज इक्वल टू 1/2। सो R इज इक्वल टू 2R डैश, यहां से इसका मल्टीप्लीकेशन, यहां से इसका मल्टीप्लीकेशन, समझ रहे हैं? R डैश की बात करके R डैश कितना होगा, तो R डैश इज इक्वल टू R बाई 2 हो जाएगा, जो दिया हुआ है पहले उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यह किस तरीका से हम लोगों ने किया, उसे दो पार्ट में कट करके। अब देखिए, अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब ज्वाइनिंग मेथड या एडिंग मेथड के लिए, बाय एडिंग या ज्वाइनिंग, अगर यह एक कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L एरिया A दिया हुआ है, हमने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ दूसरा सेम लेंथ का एक कंडक्टर लिया और उसे ऐड कर दिया, तो एरिया में कोई चेंजिंग होगा क्या? आप समझ सकते हो कि इसके एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा। The change been only when, I mean the change in the length that will be calculated। अब यहां पर जैसे हम लोग प्रीवियस टॉपिक में जैसे किए हैं उस तरीका से आप लिख सकते हो, हमें रेसिस्टेंस के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जनरली अगर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है तो हमें उसका लेंथ का जरूरत होता है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया का जरूरत होता है, उसके रेसिस्टिविटी की जरूरत होती है। देखो यहां पर L, यहां पर L क्या है, L इज इक्वल्स टू हो गया L प्लस L, दैट इज 2L हो गया। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब यह क्रॉस वाला पार्ट, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, दैट विल सेम रो, दैट विल सेम बिकॉज रो विल चेंज ओनली व्हेन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज चेंज। ओके, उसी तरीका से नाउ एट फर्स्ट, एट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस विल बी, व्हाट विल बी, दैट विल बी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, लिख सकते हो इसे, इसे फर्स्ट मान ली, एंड
अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, या अकॉर्डिंग टू नहीं लिखिए, आफ्टर द चेंज, आफ्टर द चेंज, उसके बाद जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा उसे हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो आर डैश से, आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू, देखिए रो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एल के जगह पर टू एल हो जाएगा, टू एल बाई ए हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो टू रो एल बाई ए, इसे मान लिया जाए सेकेंड, के बाद क्या लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम कंडीशन वन एंड टू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है चलेगा ऐसे भी, इस पर भी टू बाई वन, ये क्या देगा हमें, इसमें हम लोग लिख सकते हैं आर डैश बाई आर इज इक्वल टू, आर डैश के लिए क्या लिखोगे टू रो एल बाई ए, और आर के लिए क्या लिखेंगे रो एल बाई ए, ठीक है। सेम कंडीशन को आप थोड़ा और मॉडिफाई करो कैलकुलेट करने के लिए, क्या आ जाएगा टू रो एल बाई ए इंटू ए बाय रो एल। अब ये मत करना कि ये रो बाई एल रो एल बाय ए बाय रो एल क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंपल ही मैथमेटिक्स में इतना तो समझ ही रहा हो, यहां ए से ए को कट करो, रो एल से रो कट करो, आ गया टू बाय वन, हमारा वैल्यू क्या था आर डैश बाय आर, ये देगा आर डैश इज इक्वल टू टू आर। अब जो आफ्टर मॉडिफिकेशन जो रेसिस्टेंस का वैल्यू था वो आ गया, जो वैल्यू हमें दिया हुआ होगा उसका दोगुना हो जाए। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आफ्टर मॉडिफिकेशन इज इफ यू आर गिविंग 5 ओम ऑफ रेसिस्टर इनिशियली देन आफ्टर मॉडिफिकेशन यू विल गेट 5+2 आई मीन 10 ओम ऑफ रेसिस्टेंसेस एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू विल रिसीव 2.5 ओम ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो ये दो फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा कि इसका जो चेंजिंग हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ में चेंजिंग हो रहा है। तो कोई और मेथड है क्या जो एरिया या बाकी चीज को अल्टर कर सके, तो हाँ है ना मेथड, उसको भी देखेंगे हम लोग, उस मेथड को देखने के लिए आइए चलते हैं। इसमें अब एक है स्ट्रेचिंग एंड कॉम्प्रेशन। स्ट्रेच करना मतलब उस दिए हुए वायर को स्ट्रेच करना, ठीक है, और कॉम्प्रेस करना मतलब उसी उस वायर को, जैसे यह अगर कंडक्टिंग वायर है तो यह एल लेंथ का है, इसे खींच के टू एल का बना, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको लंबा कर देना। और उसी के रिवर्स में अगर यह कहे कि इसे कॉम्प्रेस करके ऐसे दबा के टू एल लेंथ का है हाफ एल का बना दे, यह दो मेथड है, ये जो दो मेथड है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ड्रॉ करते हैं यहां पे, ये देखो आप, इसका लेंथ है एल और एरिया है ए, अब इसे स्ट्रेच करना है, देखिए इधर फोर्स लगाए, इधर भी फोर्स लगाए, जब फोर्स लगाओगे तो इसका जो एरिया होगा जरा फील करके देखिए कि क्या उसमें चेंजिंग होगा या नहीं होगा, थोड़ा टाइम देखिए, इसमें एरिया में 20%
इसमें एरिया में चेंजिंग होगा या नहीं होगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। एक वायर को जब आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने के लिए अगर वह 2L लेंथ का होगा तो डेफिनेटली इस एरिया को उसके करीब आना होगा, क्योंकि वह जब मटेरियल हमने ऐड किया नहीं है तो उतना लेंथ को कवर करेगा कैसे। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द मेन पॉइंट इज दैट कि वेन वी आर अप्लाइंग द फोर्सेज ऑन द एंड ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर देन इट विल टेक आई मीन इट विल गो टू द 2L लेंथ, बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक चेंजेज और हो जाता है, वो हो जाता है उसके एरिया में। तो यह जब L को 2L बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो एरिया है A, यह A by 2 हो जाएगा। बट यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यहां पर फिर रेसिस्टिविटी क्या वो भी घटेगा क्या बढ़ेगा? हमने पहले ही कहा था कि रेसिस्टिविटी विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट विल चेंज ओनली व्हेन द मटेरियल विल चेंज। यहां टेम्परेचर हमें पढ़ना नहीं है इसलिए उस टेम्परेचर की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, बट टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है या जब एंड होता है तो वह इक्वेशन हम तुम्हें लिख करके बताएंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि टेम्परेचर में डिफरेंसेस होने पे किस तरीका से रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को चेंज कर रहा है, या इसका रेसिस्टिविटी जो होगा वह सेम रह जाएगा। इसकी अल्टरनेटली अगर ये हो गया यहां से यहां तक, अब तो ये 2L हो गया यहां से यहां तक 2L। अब इसको यह देखा जाए कि ये इतना बड़ा है, ठीक है, L लेंथ का A एरिया, इसे ना कॉम्प्रेस कर रहे हैं, कॉम्प्रेस करेंगे तो ये देखिए इधर से कॉम्प्रेस होता जाएगा तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, देख रहे हैं एरिया। तो यहां उसका L कॉम्प्रेशन में L अगर हो जाता है L बाई 2 तो एरिया हो जाएगा 2A और रेसिस्टिविटी रह जाएगा सेम। इस दोनों प्लेटफॉर्म को, इस दोनों फॉर्मेट को और इसके अलावा बेंडिंग ऑन मतलब उसी मटेरियल को उसके ऊपर बेंड करके कुछ कंडीशंस के साथ अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें इसे हम और बेहतर तरीका से कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के उसके वैल्यू को कैलकुलेट करके तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।